मनीष कश्यप महीनों बाद लौटे बिहार। रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों ने की फूलों की बारिश, चारों तरफ गूंजे मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे। सन ऑफ बिहार के लौटने से लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। आपको बताते चले कि इस वक्त बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जहां मनीष कश्यप महीनों बाद तमिलनाडु के मदुरई जेल से निकलकर बिहार की धरती पर आ पहुंचे हैं। आज की सुबह एक नई किरण के साथ निकली है, ये रोशनी उम्मीद की रोशनी है, क्योंकि आज सन ऑफ बिहार कई महीनों बाद अपने समर्थकों बिहार वासियों के बीच लौटे हैं। वहीं मनीष कश्यप के लौटने का नजारा भी उतना ही खास रहा। मनीष कश्यप को रेलवे का सहारा लेकर ट्रेन के जरिए यहां पहुंचा गया है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि वो बेतिया रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। जैसे ही मनीष कश्यप स्टेशन पर उतरे, वैसे ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। जब लोगों को पता चला कि उनके चहेते और लाडले मनीष कश्यप वापस आए हैं, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने फूलों की बारिश की, यहां तक कि जमकर मनीष कश्यप के लिए नारे भी लगे। इस नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप की सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी मौजूद हैं और कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत मनीष कश्यप को ना हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मनीष कश्यप को देखने का मौका बिहार वालों को मिला है, लेकिन इस वक्त मनीष कश्यप बेतिया में है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये उनका गृह जिला है और यहाँ आने का मकसद यहाँ की कोर्ट में उनकी पेशी है। लेकिन वजह जो भी हो, आज मनीष कश्यप जब बाहर निकल चुके हैं, तो हर किसी को ये पूरा भरोसा है कि मनीष कश्यप अब अपने घर भी बहुत जल्द लौटेंगे। मनीष कश्यप के बेतिया स्टेशन पर उतरने के बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, इससे एक बात तो साफ है कि मनीष कश्यप के लिए लोगों के दिल में आज भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा प्यार मौजूद है। वहीं जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते कई महीनों से मनीष कश्यप मदुरई के जेल में बंद थे। वहीं बेतिया उन्हें किसी पुराने केस के मामले में पेशी के लिए लाया गया है। बेतिया आने के बाद रेलवे स्टेशन से लेकर कोर्ट तक काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां मनीष कश्यप के समर्थकों की भीड़ उमड़ी, वहीं सुरक्षा बल भी भारी मात्रा में तैनात की हुई थी।